बरेली पुराने रोडवेज बस अड्डे से चोर रोडवेज बस को चोरी करके ले गए। घटना की जानकारी होने पर विभाग में खलबली मच गई। रात में ही बस की तलाश शुरू कर दी, लेकिन बस का कोई सुराग नहीं लगा। आरएम से लेकर एआरएम तक बस की तलाश में लग गए। गुरुवार को दातागंज में बस खड़ी मिली तो अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बस के बरामद होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रोडवेज के प्रधान प्रबंधक एमडी संजय कुमार ने बुधवार को ही सैटेलाइट बस अड्डे का निरीक्षण किया था, जिसमें गंदगी मिलने और सुरक्षा के इंतजाम अधूरे देखकर उन्होंने फटकार लगाकर सुधार करने के लिए कहा था। एमडी के जाते ही अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूल गए। बुधवार की रात बस चोरी हो गई। बरेली डिपो की बस एटी 5261 बुधवार को पुराने बस अड्डे पर खड़ी थी। देर रात कोई चोर बस स्टार्ट कर वहां से लेकर चला गया। हालांकि गुरुवार सुबह गायब बस दातागंज में लावारिस खड़ी थी। बस मिलने की जानकारी पर विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक गार्ड दो परिचालकों के सहारे सबसे बड़ा बस अड्डों पर बसों की सुरक्षा को लेकर कोई खास प्रबंध नहीं है। पुराने बस अड्डे पर एक गार्ड और दो परिचालकों के सहारे रात में बसों की निगरानी कराई जाती है। बरेली रीजन का सबसे बड़ा अड्डा है। दिन में तो कई स्टाफ हैं, लेकिन रात में बस अड्डे की जिम्मेदारी एक गार्ड व एक और दो परिचालक संभालते हैं। रोडवेज बस अड्डे से बस चोरी हुई थी। बस दातागंज में लावारिस खड़ी मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली डिपो। सर, एक रोडवेज बस चोरी हो गई थी प्रांगण से, किस तरीके से जांच की और क्या पाया आप तक? 31 तारीख की रात को बस एक ड्राइवर था दिल्ली से लेके आया, और उसको यहाँ सवारी उतार के वर्कशॉप जाना चाहिए था, लेकिन बस वो यहीं खड़ी करके कहीं चला गया और बस कहीं यहाँ से मिस हो गई। सुबह जब मुझे खबर मिली तो तुरंत मैंने अपने उच्चाधिकारियों को खबर दिया, और उसके बाद बस को तलाशने के लिए अपने मंडल में चारों तरफ फ़ोन हुआ, और बस जो है हमारी 9:30-10:30 दातागंज से पता लग गया, तो हम लोग जाकर उसको ले आए। संबंधित चालक के खिलाफ जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया और इसकी FIR कराई गई। क्या लगता है कि यहाँ से चोरी होना वो भी बस तो की बड़ी बात है कि आपके रोडवे से चोरी हुई है? असल में ऐसी घटना इसके पहले कभी हुई नहीं यहाँ से, तो बस का गायब होने के बाद हम लोग स्वाभाविक रूप से बहुत चिंतित हो गए, और उसको किसी भी इन प्रकार उसको बरामद करना था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। कल मेरी कोतवाल साहब से बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि जो लोग इस घटना में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और वो ढूंढने में उसको लगे हुए हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।